Welcome to the next lecture of light reflection and refraction. Here we are discussing about the reflection of light, and we have discussed all the image formations from concave mirror and the convex mirror, as well as the uses of concave and convex mirror. In this lecture we will discuss about the Cartesian sign conversion. So here is Cartesian sign convention. For this we have to draw the mirror. Clear? So this is the concave mirror. Here is the concave mirror. This is the principal axis, and here is the P. This is focus, and here is the center of curvature. Clear? So this is the convex mirror, and secondly we have to draw this is concave mirror, and the next one is convex mirror. In case of convex mirror, the polish is in this side. This is the polish. Here is the focus, and here is the center of curvature. This is the pole. The object which is placed This is the object. Clear? So the object is placed in this side when the mirror is concave, and here is the object in case of convex mirror. Now what is Cartesian sign convention? ठीक है, किस तरीके से हम यहाँ पर signs को लेते हैं ना? Height of the image है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ ना, कौन से मिरर में किस टाइप की होगी, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव उसकी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है. यहां पर हमें देखना है इन केस ऑफ कंकेव मिरर द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज दिस. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट. क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट रेज इसी डायरेक्शन में मिरर पर इंसिडेंट होगी. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट. क्लियर? यहां पर हमें टू बेसिक रूल्स को यहां पर फॉलो करना है. जितने भी डिस्टेंसेस हम लेंगे, चाहे वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की हो, चाहे वो डिस्टेंस इमेज की हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो, जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे, ये सारी डिस्टेंसेस हमें लेनी है कहां से? पी से. ठीक है, सो फर्स्ट रूल क्या देखना है हमें? ऑल द डिस्टेंसेस, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, सो प्रिंसिपल एक्सिस से सारी डिस्टेंसेस हमें मेजर करनी है इस पी से. ठीक है, पी से जब हम लाइट के डायरेक्शन में जाएंगे तो वैल्यूज क्या लेनी है? पॉजिटिव. और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वैल्यूज होगी निगेटिव. हम देखते हैं यहां पे कंकेव मिरर के केस में लाइट की डायरेक्शन क्या है ये. तो हम यदि लाइट के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वैल्यूज आएगी पॉजिटिव, लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वैल्यूज आएंगी निगेटिव. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाइट की डायरेक्शन कहां है? इधर. तो लाइट की डायरेक्शन में यदि मूव करेंगे तो वैल्यूज आएगी पॉजिटिव, और लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वैल्यूज आएगी निगेटिव. क्लियर? ये हमें ध्यान रखना है. सो प्रिंसिपल एक्सिस से जब हम लाइट के डायरेक्शन में मूव करेंगे, फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस इफ वी मूव
in the direction of light. ठीक है, light की direction में move करेंगे तो values क्या लेना है हमें, positive. तो यहां पर values आएंगी positive. And from principal axis, from principal axis, if we move opposite to the light, opposite to the light यदि हम move करते हैं तो values हमें लेना है negative. ठीक है, तो यहां पर values कैसे आएंगी, negative आएंगी. यदि हम principal axis के अबव मूव करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड मूव करते हैं तो वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव. सेकंड रूल, इफ वी मूव अबव टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड मूव करेंगे तो वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव. और यदि हम बिलो प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेंगे तो वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव, नेगेटिव. बिलो प्रिंसिपल एक्सिस तो वैल्यूज कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी. इन दोनों रूल्स को यदि हम ध्यान में रख सकते हैं तो हमारे पास सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. क्लियर? So you have to remember both of these two rules. First, सारे distances आप measure करेंगे principal axis से. Principal axis से light direction में move करेंगे तो सारी values हमें positive लेना है. और principal axis से यदि हम opposite to the light direction जाएंगे तो सारी values क्या आएंगी, negative आएंगी. Principal axis के above move करेंगे तो सारी values positive में लेना है. और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो मूव करेंगे तो सारी वैल्यूज निगेटिव लेना है. एक्जेक्टली वैसे जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हो. एक्स एक्सिस पे एक साइड मूव करते हो तो पॉजिटिव में वैल्यू आप लेते हैं, एक साइड मूव करेंगे तो निगेटिव में वैल्यू आएगी. वाई एक्सिस आप ये वाला लेते हो तो इसमें अबाउ साइड पे मूव करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आप लेते हो, नीचे की साइड मूव करेंगे तो निगेटिव वैल्यूज हम लेते हैं. तो एक्जेक्टली यही रूल हमें भी फॉलो करना है. इसके बाद हमें देखना है जो भी चीजें हम यहां स्टडी करेंगे, मींस ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है, ये सारी चीजें हम यहां पे स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. फर्स्ट इट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की हाइट को हम डिनोट करते हैं एच से. और ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी होगी, कैसे लेंगे हम ऑब्जेक्ट की हाइट, मींस ये वाली हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अबव मूव कर रहे हैं, इट मींस वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव में. तो ऑब्जेक्ट की हाइट किसमें आएगी, पॉजिटिव में आएगी. सेकंड हम देखते हैं, सेकंड चीज हम देखने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पी या फ्रॉम मिरर. ठीक है, सो यहां पे क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पी. और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं यू से ना, इसको डिनोट करते हैं हम यू से. सो दिस इज द यू. और ऑब्जेक्ट आप देखेंगे यदि हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट. लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट है या लाइट के डायरेक्शन में है, लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव. यदि हम कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं तो कॉन्वेक्स में भी सेम है, लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट और इधर की साइड ऑब्जेक्ट रखा है, इट मीन्स लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, निगेटिव में. या चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, दोनों टाइप के मिरर में ही ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे लेनी है हमें,
निगेटिव में लेनी है ना। क्वेश्चन में यदि हमसे कहा जाता है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो किस तरह की होगी, निगेटिव में होगी। तो उसको हम 10 सेंटीमीटर ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पी और फ्रॉम द मिरर। सो हियर द थर्ड वन इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पी। इमेज के डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं वी, डिनोट करते हैं वी से। ये हमारे पास वर्चुअल और रियल इमेज के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि आपको पता है इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स, वर्चुअल एंड रियल। यदि इमेज वर्चुअल है, इफ द इमेज इज वर्चुअल तो वैल्यू कैसी होगी, और रियल है तो वैल्यू कैसी होगी। यदि इमेज वर्चुअल है तो वैल्यू होगी पॉजिटिव में, और यदि इमेज रियल है तो वैल्यू होगी निगेटिव में। आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्वियस है इसकी जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी ना। फोकस पे हमें ये लाइनें मीट करती हुई दिखेंगी या किसी और पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करती हुई मिलेगी, तो यहां पर इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी, और रियल इमेज बनेगी तो वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव। ठीक है, कॉन्केव मिरर के केस में 5 केसेस हमने स्टार्टिंग के देखे थे, रियल इमेजेस बन रही थी, सब में वैल्यूज हमें कैसे लेनी है, निगेटिव। सिर्फ एक ही केस ऐसा था जिसमें हमारे पास जो इमेज है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। वो केस कौन सा था, पी और एफ के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट रखा था तब। उस केस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव में आएगी। और कॉन्वेक्स मिरर केस में तो कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखिए, इमेज कैसी बनती है, वर्चुअली बनती है। तो जब वर्चुअल इमेज होगी तो पॉजिटिव में वैल्यू लेना है, और जब इमेज रियल होगी तो वैल्यू लेना है निगेटिव में। नेक्स्ट वन इज हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया था, नेक्स्ट वन इज हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट को हम डिनोट करेंगे एच डैश से। ठीक है, इमेज की हाइट भी आप देखते हो, वर्चुअल इमेज के लिए अलग हाइट हो सकती है, रियल इमेज की अलग होगी। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इमेजेस जो होती है वो इरेक्ट होती है, जहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसी के डायरेक्शन में बनती है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज अलग होगी। रियल इमेजेस जो होती है, वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट होती है इसीलिए उसी डायरेक्शन में फॉर्म होती है। रियल इमेजेस जो होती है दे आर इन्वर्टेड, तुम्हें पता है यहाँ इन्वर्टेड नीचे की साइड इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, ये केस कैसा है, यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी, नीचे की साइड इमेज फॉर्म होगी। तो यदि हमारे पास वर्चुअल इमेज है, इट मींस इरेक्ट इमेज है, तो वैल्यू होगी पॉजिटिव में, और यदि रियल इमेज है तो वैल्यू होगी निगेटिव में। सो हियर अगेन, इफ द इमेज इज वर्चुअल, जब वर्चुअल इमेज है तो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, और रियल इमेज है तो वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव। क्योंकि वर्चुअल इमेज जो है वो पोल से ऊपर की साइड होगी या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड होगी, और जो चीजें प्रिंसिपल एक्सिस के अबव साइड में हमें लेनी है दे आर पॉजिटिव, और बिलो होगी रियल इमेज, इसलिए वो कैसी होगी, निगेटिव होगी। नेक्स्ट वन मोर थिंग, दैट इज फोकल लेंथ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम साइन देखेंगे किसके लिए, फोकल लेंथ के लिए। सो द नेक्स्ट वन इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मींस डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, इट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। कैपिटल एफ से हम प्रिंसिपल फोकस को डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगी पॉजिटिव, और कॉन्केव मिरर के लिए होगी निगेटिव। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर दोनों के लिए अलग अलग होगी। कॉन्वेक्स के लिए होगी पॉजिटिव, ठीक,
सो इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर एंड फॉर कॉन्केव मिरर इट इज नेगेटिव. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. इसको आप अच्छे से याद भी रख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, न्यूमेरिकल्स में ये सारी चीजें हमें काम आने वाली है, तो इसको आप लर्न भी कर सकते हैं और इसको आप इस तरह से याद भी रख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज दिखा देती हूँ. प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ साइड में जो चीजें हम लेंगे दे आर पॉजिटिव, जो बिलो लेंगे दे आर नेगेटिव. सेम इन दिस केस, अबाउ साइड में पॉजिटिव और बिलो कैसी होगी? नेगेटिव. ठीक है, तो ये सारी चीजें डायरेक्शंस, लाइट की डायरेक्शन, हमें जो दो रूल हमने याद किए हैं स्टार्टिंग में, उन दोनों रूल्स को हमें फॉलो करना है. दोनों रूल्स को फॉलो करके हम सारी चीजों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. इन आर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मिरर फॉर्मूला एंड इट्स डेरिवेशन. थैंक यू वेरी मच.